जय। हमें बपतिस्मा में सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह की जय। हमें आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। राहुल पावल पावल से ऊ अघि पावल कुरा गरेको त्यहाँदेखि सृजना बुझेछ त्यहाँदेखि मरमी हाम्रो भाइ हाम्रो भाइ राहुल और मरमी ये लोग रङनोई से आए हैं। राहुल ताइंग और मरमी ताइंग और हमारा भाई पावल और हमारा बहन ये सृजना ये लोग वहाँ बसार अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। और हमारा भाई पावल और सृजना भी बसार अरुणाचल प्रदेश से और ये लोग अब यहाँ पर बपतिस्मा लेकर हाथ रखकर इनके द्वारा इनकी सेवा पूरा करके सबसे पहले आज हमने देखा था कि बपतिस्मा लेने के लिए आज गलील से निकलकर यर्दन में यहूना के पास आना है। तो हम सबसे पहले प्रश्न इनको पूछने जा रहे हैं, क्या आप गलील से निकले है या नहीं? प्रथम हमारा प्रश्न आपके गलील पर बुलाए ना भाई राहुल कैसे क्या है गलील से निकलने के बाद गलील से निकलने की बात क्या है? पाप से और मृत्यु से निकलने की बात है। यह आपके जीवन में अनुभव हो गया? पाप से कैसे निकल गए आप? पश्चाताप करके और विश्वास करके। ये बात आपके जीवन में पूरा हुआ? कब किया था ये बात? कौन से दिन गली से निकल गया है? कहले भन्नु छ याद छैन पावल को मालूम है? मालूम नहीं लेकिन निकल गए। हाँ पाप से छुटकारा मिल गया। अच्छा बहुत अच्छी बात है। और हमारे बहन क्या है सृजना सृजना पाप को क्षमा भयो? कसरी भयो? केले पाप क्षमा गर्यो? यीशुले केले क्षमा गरिदियो शुद्ध गरिदियो? के भयो अरे? कैसे क्षमा किया? प्रभु यीशुको रगतले। यो विश्वास छ? लो मरमी क्या बोलेगा? मरमी को पूछिए कब गली से निकला? कहले अरे? इसी साल फेब्रुअरी में। कितना अच्छा याद किया। और उसी दिन में राहुल ने भी किया था? दोनों ने साथ साथ में किया? अलग अलग किया था। अलग 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 कर इसे हम ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हमारे भाई बहन गलील से निकलने की बात ये लोग कह रहे हैं और ये लोग यर्दन में आ गए। यर्दन में आना है
यरूशलेम में आने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अपने में क्या करना है, पाना है। ये जीवन आपको मिला प्रभु यीशु मसीह का जीवन मरे में मिला। क्या जीवन मिला? अनंत जीवन। और जीवन में परिवर्तन, कैसा परिवर्तन हो गया? क्या पाप करता था? सृजना, प्रभु यीशु मसीह को जीवन छ, प्रभु यीशु मसीह को बोलने जीवन, प्रभु यीशु मसीहले सुन्ने जीवन छ, छ भने छ भने, छैन भने छैन भने। कस्तो जीवन छ? रिसाउने जीवन? ए यो त प्रभु यीशु मसीहको जीवन होइन नि है। नै हो त सी बात। हाम्रो भाइ पावल प्रभु यीशु मसीहको जीवन है, कैसा जीवन है? आनन्द है। हाँ बहुत अच्छा। हाम्रो भाइ राहुल प्रभु यीशु मसीहको जीवन है, क्या अब क्या जीवन आछे? अनंत जीवन क्या है? ठीक है तो विश्वास है ना, शांति मिला। अच्छा शांति मिला, ठीक है। शांति का जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन। सो हमारे भाई बहनों ने यदि भी कुछ बात ये लोग समझ नहीं सकते, फिर भी आज इन्होंने बताया कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। उतर उतर फर्क है, उतर फर्क। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी इनको मिला है। अब हम दूसरी बात इनको पूछेंगे। हाँ ये बात क्या था दूसरी बात? प्रभु यीशु ने से जिस प्रकार से बपतिस्मा लिया, तरीका के संबंध में प्रश्न हम पूछेंगे। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा के बारे में आपने क्या समझ लिया है? बपतिस्मा की है, बपतिस्मा भी कहलो तुम की बुझी पाला। बपतिस्मा का आवो जीवन जो पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन देने। अच्छा भाई पावल पहले का जीवन छोड़ के नया जीवन परिवर्तन से प्रश्न सुने थे। अच्छा 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 सृजना बपतिस्मा किन लिएको, क्यों ले रहा है बपतिस्मा? एक साक्षी बनने के लिए। हाँ एक साक्षी बनने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं। हमारे बन मारे में हम बपतिस्मा आज गवाही साक्षी बनने के लिए और नया जीवन जो प्रभु ने हमको दिया है इसके बारे में दूसरों को बताने के लिए आज हम बपतिस्मा क्या करते हैं, लेते हैं। बपतिस्मा के द्वारा एक साक्षी बनकर हम अब अपने जीवन को जिएंगे। अब बपतिस्मा के द्वारा जो आशीष प्रभु देना चाहता है, इस आशीष के संबंध में आपको हम ये प्रतिज्ञा हम कराने चाहते हैं आपके लिए। जब स्वर्ग खुल जाएगा आपकी दृष्टि ऊपर की बात में, मेरा मन सदा अब ऊपर की बात में स्वर्गीय बात में बना रहेगा, प्रभु की वाणी को मैं सदा सुनने के लिए मैं तैयार रहूँगा, प्रार्थना में वचन में संगति में बने रहकर। क्या आप ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं मरे में? सृजना म संगतिमा लागिरहन्छु, परमेश्वरको वचनलाई म पढ्छु, प्रार्थनामा म समय व्यतीत गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु सक्छ? ल पावल भन त के भन्ने हो? संगतिमा म अब बनिरहन्छु, बाइबल पढ्छु, प्रार्थना गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु सक्छ? अच्छा कति राम्रो। हाम्रो भाइ राहुल बपतिस्मा द्वारा सेवा, प्रार्थना,
अब प्रभुलाई पाएपछि दुःखमा परीक्षामा अभावमा घटी कमीमा भइकन जानुपर्छ। त्यो समयमा पनि म प्रभुलाई कहिले छोड्दिनँ कहिले त्याग्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ पावल, सबै प्रकारको अवस्थामा प्रभुलाई कहिले पनि छोड्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ। ल हाम्रो बहिनी सृजना, मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा बोल के क्या प्रतिज्ञा कर सकते हैं? छोड़ देना कति राम्रो। अब मरनी ल त यहाँहरूको विश्वासको आधारमा अनि प्रतिज्ञाको आधारमा अब यहाँहरूलाई हामी बप्तिस्मा दिने हामी लगिरहेका छौँ र यहाँलाई यो प्रतिज्ञा हामी दिन्छौँ। भाइ राहुल, यो प्रतिज्ञामा लिखा है साम 91:16 विथ लङ लाइफ विल आई सेटिस्फाई हिम एन्ड सिउ हिम माई सेल्वेसन। लम्बी आयु देकर प्रभु आपको यसैया 58 अध्यायको 11 पद लर्ड सेल गाइड दि कन्टिन्युअली। प्रभुले तिमीलाई लगातार अगुवाई गर्छ सहायता गर्छ। ल ल यो प्रतिज्ञा राख्नु। हाम्रो बहिनी आइजया 44:21 थाउ आर्ट माई सर्भेन्ट आई हेभ फर्म दि। तु मेरा सेवक है मैंने तुमको बनाया है। प्रभु आपको सेवा के लिए आप चलाना चाहते हैं ठीक है। और आप हमारे रंगनोई मंडली के लिए बहन को प्रभु की सेवा में अब लगे रहना है। प्रभु इसको सहायता करें ठीक है। अब हम प्रार्थना करेंगे और ये लोग को बक्सा लेने के लिए बाहर जगह बनाया गया है। आप लुगा आरू कहाँ रखना पड़ सा रख कर आप वो मंदिर प्रभुलाई हृदय भरिको धन्यवाद।
अंदर जाएंगे और उसी शो के में।